अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग की सीरीज़ चल रही है और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए। हमने बात की थी इससे लास्ट वाली वीडियो में केबलिंग के बारे में, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स के केबल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कोक्सियल केबल होता है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है। हमने बात की थी एक और केबल के बारे में जो कि था ट्विस्टेड पेयर केबल। तो उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कोक्सियल केबल्स। कोक्सियल केबल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स इसमें यूज़ होते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये सब डिटेल में आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स आप उर्दू में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोक्सियल केबल्स की। कोक्सियल केबल्स की तरफ बढ़ने से पहले फर्स्टली आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वॉट इज़ केबल्स। केबल्स क्या होते हैं एक्चुअली में? केबल इज़ द मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन यूजली मूव्स फ्रॉम वन नेटवर्क डिवाइस टू द अनदर नेटवर्क डिवाइस। क्या है ये हमारे पास? एक टाइप का मीडियम है जिसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ। बीच में अगर केबल ही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कैसे करेगी, ठीक है? तो हमने बात की थी कि हमारे पास दो टाइप्स के केबल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास वाइट, ठीक है, जिसको हम फिजिकल मीडियम कहते हैं, और एक क्या होता है हमारे पास नॉन फिजिकल मीडियम, ठीक है। ये तो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की और डिटेल में जाना चाहते हो तो इस वीडियो के लास्ट में वीडियो शुरू हो जाएगी। केबल की बात कर ली, हमारे पास तीन टाइप्स के केबल्स होते हैं, जिनमें से पहला है हमारा कोक्सियल केबल। कोक्सियल केबल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो 1880s के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग लेवल पर ये सपोर्ट करता था 10 मेगा बिट्स पिक्सल्स पर सेकेंड ईथरनेट केबल्स के थ्रू, ठीक है। अब ईथरनेट केबल्स क्या है? यहाँ पर ये एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ नेटवर्क केबल है, जो कि बेसिकली लैन के अंदर यूज़ किया जाता था, ठीक है, फॉर कनेक्टिविटी ऑफ हब्स एंड राउटर्स। राउटर्स एंड हब्स को कनेक्ट करने के लिए ईथरनेट केबल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो जो कोक्सियल केबल्स हैं वो सपोर्ट करते थे 10 Mbps ईथरनेट केबल्स। इसके अलावा ये केबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और बाकी केबल्स के मुकाबले में काफ़ी चीप और इनएक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग लेवल पर जब ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो ये टीवीज़ टेलीविजन्स के अंदर मोस्टली यूज़ हुआ करते थे। अब इसमें जो है वो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं कोक्सियल केबल्स के अंदर? हमारे पास चार तरह के कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा प्लास्टिक जैकेट, देन ब्रेड, थर्ड नंबर पे यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो है सेंटर कंडक्टर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। अब इनका कंसेप्ट और इनकी डिटेल क्या है? अगर हम लोग फर्स्ट कॉम्पोनेंट की बात करें, दैट इज़ द प्लास्टिक जैकेट। प्लास्टिक जैकेट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास थिक कवरिंग होती है, ठीक है। ये क्या करता है? हमारा जो वायर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है किससे? नॉइज से, और इन्वायरमेंटल जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आपके वायर को ख़राब कर सकती हैं उससे आपके वायर को प्रोटेक्ट करता है प्लास्टिक जैकेट। अगर हम नेक्स्ट कॉम्पोनेंट की बात करें, दैट इज़ ब्रेड। तो ब्रेड का कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्या करता है, ये आपके सिग्नल्स को प्रोटेक्ट करता है बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और रेडिएशंस। जितनी भी रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, वो आपके जितना जो आपका ओरिजिनल सिग्नल होता है उसको ख़राब कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो डेटा होता है, ओरिजिनल डेटा, वो करप्ट नहीं होता और ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर किसी ख़राब हुए, वो एक जगह से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अगर हम फाइनल कंपोनेंट की बात करें, दैट इज़ द डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से मूव होती है तो सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, तो सिग्नल इस फील्ड से भी अफेक्ट हो सकता है। इंसुलेटर एक्सटर्नल करंट को रोक लेता है, और डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है? कंडक्टर को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से ये चार कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि कोक्सियल केबल के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं कोक्सियल केबल्स की। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं, फर्स्ट है हमारे पास थिन केबल और सेकेंड है हमारे पास थिक केबल। थिन केबल को हम थिन नेट भी कहते हैं, ठीक है, और थिक केबल को हम थिक नेट भी कहते हैं।
थिननेट और थिकनेट इसके जो है वो इस नाम से भी बहुत सारे लोग इसको कॉल करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर थिननेट केबल की बात करें, दैट इज़ थिन केबल, तो इसमें जो है वो हमारे पास ज़ीरो, हम बात करें थिन केबल की, इसमें हमारे पास 0.64 सेंटीमीटर का ये होता है, ठीक है। और कितना थिंक होता है ये, 0.25 इंचेस थिक होता है ये, ठीक है। इस टाइप के जो केबल्स होते हैं वो 185 मीटर तक का एरिया कवर कर लेते हैं इजीली, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी स्पेसिफिकेशन है हमारे पास 10 base 2। इट मीन्स यहाँ पर 10 जो है वो इसका डेटा रेट है, डेटा रेट, ठीक है, और 2 यहाँ पर नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग थिक केबल की बात करें तो थिक केबल में क्या होता है, ये हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 0.5 इंचेस थिक होता है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है हमारे पास 10 base 5। इट मीन्स के 10 इसका डेटा रेट है, फाइन, और इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 5। ये 500 मीटर्स तक का एरिया कवर कर लेता है। तो इस वीडियो में हमने बात की अबाउट दी कोक्सियल केबल्स, हमने बात की उसके कॉम्पोनेंट्स के हवाले से, और हमने टाइप्स देखे थिन नेट और थिक नेट। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। कोक्सियल केबल्स का कॉन्सेप्ट आपको मे बी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा बात करेंगे किसी और वीडियो में हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स की और ट्विस्टेड पेयर केबल्स की। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक दे सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।